नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल जो है अब कमिंग सून करके दिखा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ही हफ्तों में आप लोगों को जो है ये वाली सेल देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों, इस सेल के साथ में आपको कई सारे बजट लैपटॉप्स के जो है न्यू लॉन्चिंग भी देखने को मिलेगी। उसी में से एक लैपटॉप दोस्तों आज निकल कर आता है MSI की तरफ से, G F63 Thin। इसका दोस्तों यहाँ पे i5 वाला वर्जन जो है एट प्रेजेंट फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टेड हो चुका है कमिंग सून करके। प्राइसिंग की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अराउंड 84,000 रुपीज इसकी प्राइस है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पे MRP है। जब एक्चुअली ये सेल में आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी प्राइसिंग जो है आप लोगों को 65 to 70,000 रुपीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आइए जानते हैं इसके कुछ जरूरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे जानना जरूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की बात कर लेते हैं, तो वो आप लोगों को RTX 3050 देखने को मिलता है। नाउ मानो न मानो दोस्तों, आप लोगों को ट्रेंड दिख ही रहा होगा कि जो GTX 1650 है, अब उसके जो है लैपटॉप्स धीरे धीरे आना जो है बंद हो रहे हैं। आप लोगों को RTX 3050 और 3050 Ti की जो है बजट लेवल पे यही वाले लैपटॉप आगे चल के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जानना जरूरी है कि इसकी TGP वैल्यू क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर हम फोकस करें, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि मैं MSI की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे दोस्तों इन लोगों ने सेम लैपटॉप जो है i7 वाले वेरियंट में लिस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, RTX 50 का जो है 40 वॉट आप लोगों को मैक्स ग्राफिक पावर देखने को मिलता है विद डायनेमिक बूस्ट, जो कि कंपैरेटिवली कंपटीशन से जो है यहां पे कम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, दिस लैपटॉप इज नॉट ओनली अबाउट द CPU एंड GPU, साथ ही में दोस्तों आप लोगों को जो ओवरऑल हार्डवेयर पैकेज मिलता है वो भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। फिर बात आती है दोस्तों यहां पे इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में देखें तो आप लोगों को दोस्तों 10th जनरेशन का 45 वॉट का जो है दोस्तों इंटेल की तरफ से एच सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा अभी तक कि जो भी प्रोसेसर होते हैं 10th जनरेशन के एच सीरीज वाले, i5-10300 करके लिखा होता है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो प्रोसेसर है i5-10500H है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को हेक्सा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जो i5-10300H है दोस्तों, वो प्रोसेसर जो है क्वाड कोर प्रोसेसर है। एनीवे फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहता हूं दोस्तों। एंड दोस्तों, कुछ बजट लैपटॉप्स के लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पे जाके उन्हें जरूर चेकआउट कर। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके पोर्ट सिचुएशन की, तो पोर्ट सिचुएशन आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्थी देखने को मिल जाती है। तीन टाइप पे यूएसबी 3.1 पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप सी पोर्ट यूएसबी 3.2 जेन1 देखने को मिलता है। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को एक HDMI और एक RJ45 पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। बैटरी की बात करूं तो दोस्तों वंस अगेन इट्स अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग कि यहाँ पे जो है MSI बिल्कुल तैयार नहीं है उनके लो एंड लैपटॉप्स को जो है बैटरी के मामले में अपडेट देने के लिए। 51 वॉट आवर की जो है आप लोगों को बैटरी देखने को मिलती है, विच इज मोस्ट प्रोबेबली 3 सेल बैटरी। यहाँ पे दोस्तों वेट की बात करूं तो कम लगभग मुझे लगा कि वेट यहाँ पे इसका है, जस्ट 1.86 केजी का जो है यहाँ पे आपको वेट देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नाउ यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पाएंगे जो रैम है आप लोगों को 8GB और 512GB SSD देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे जो है रैम और स्टोरेज आप यहाँ पे आराम से अपग्रेड कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी हाई टाइम कि इवन एट दी लो एंड कंपनीज को जो है 16GB की रैम मिनिमम यहाँ पे देनी चाहिए। इनफैक्ट इतना ही नहीं दोस्तों, 512GB की जो SSD है, अगर आप यहाँ पे उसको गेमिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो आप अगर 2 या 3 गेम डालेंगे दोस्तों, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो लैपटॉप है दोस्तों आपका आउट ऑफ स्टोरेज हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस लैपटॉप को लें, और अगर आप इस सोलली पर्पस आपका गेमिंग है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि डाउन द लाइन डेफिनेटली दोस्तों इस लैपटॉप को जो है यहाँ पे NVMe SSD से जो है आराम से अपग्रेड यहाँ पर कर ले।